दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है आपका भगवान जी का, नितेश जी का, सिमी जी का फोटो दिखा आज मैंने। दोष जनरली मैं एस्ट्रोलॉजी में डिस्कशंस नहीं करता, कुछ मेरा उसके नियम है कुछ, मगर होता ना एक एक्साइटमेंट होता है दूसरे को देख के, तो उसके रीजंस हैं। कभी मैं पर्सनली मिलूंगा तो बताऊंगा कि क्यों नहीं मैं भविष्यवाणी करता। उसका एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि जो व्यक्ति दो चार दर्जे पढ़ जाता है तो फिर ये बातें बहुत छोटी छोटी सी लगने लगती हैं। पुनः दोष पे बात चल रही थी जो आपका डिस्कशन जो मेरी समझ में आया, क्योंकि मैंने कृष्ण मूर्ति पद्धति बेसिकली शुरू करी थी 70 के दशक में, 73, 74, 75 में, जब शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे बहुत सारे लोग, भगवान जी जरूर जानते होंगे। कृष्ण मूर्ति पद्धति के भी लीडर 6 होती थी उस समय, 6 पहले इंग्लिश में ही 6 लीडर्स थे, इसके हिंदी में नहीं आती थी ये, और नॉर्थ इंडिया में तो चलती नहीं थी कृष्णमूर्ति पद्धति। उसमें केपी लीडर 6 में स्पष्ट लिखा है जो मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए, केवल इसी से रिलेटेड है पुनर्प्रदोष। मगर अब अगर आप देखेंगे पुनर्प्रदोष का जो सैटर्न और मून का जो कॉम्बिनेशन है, उसको मुंडेन में भी जोड़ने लगे, उसको वास्तु में भी जोड़ने लगे। एक अभी मैं देख रहा था किसी का नेट पे ही कि पुनर्प्रदोष है, आपके घर में सीलन होगी, आपके घर में ये होगा, आपके दरवाजे ऐसे होंगे तो आपके घर में ये होगा। तो ये जो इस टाइप की चीजें हैं ना, यहाँ पे खिचड़ी बना देते हैं। पुनर्प्रदोष बड़ा सिंपल सा, मगर इसमें जो मैंने पता नहीं क्यों छोड़ा नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं डिस्कशंस करता है इसमें, कि सैटर्न और मून की जो पोजिशन है, चाहे सैटर्न मून के स्टार में हो, या मून सैटर्न के स्टार में हो, या मून सैटर्न एसोसिएटेड हो, या मून सैटर्न एस्पेक्टेड हो, या मून सब लॉर्ड में हो, या मून सब सब लॉर्ड में हो, तो ये कभी देखा कि मून अगर मून एसोसिएटेड है और सब सब लॉर्ड में है और सब लॉर्ड में भी है, यानी कि बड़ा क्लियर इंडिकेशन आ रहा है पुनर्प्रयोग का, और उसके 18 साल में लड़की की शादी हो गई, तो एक दुविधा पैदा हुई ना। तो ऐसे एक दो नहीं, ऐसे 2, 4, 5, 10, 15, 20 केसेस देखे, तब फिर मैं किसी स्पेसिफिक दोष पे, अरिष्ट पे, ये योग पे नहीं किया मैं, क्योंकि जब तक कि हम लोग कहीं ज्वाइंटली डिस्कशंस करें या तो, यानी कि पुनः दोष के फिर इसके कैंसिलेशंस भी दिखाए हैं कि कैंसिलेशंस में अगर सन से किसी न किसी रूप में एसोसिएटेड हो, यानी कि मून अगर सैटर्न के एसोसिएशन में हो, या मून सन के नक्षत्र में हो, या उसके उसका सब लॉर्ड हो, या सब सब लॉर्ड हो, वाइस वर्सा, तो ये इससे पुनर्भूत दोष कैंसिलेशन हो जाता है उसका। मगर उस कैंसिलेशन के बाद देखा मैरिजेस नहीं हो रही बहुत सारे लोगों की। तो जहाँ पे दुविधा है, ये मैंने जो 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रमन अगर उसमें जाएंगे आप, उसमें बड़ा क्लियरली इंडिकेशन दिखाए आप, बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ के, कि उसमें अगर गजकेशरी योग है, प्रबल गजकेशरी योग केंद्र में है, कर्क राशि का गजकेशरी योग है, केंद्र में है, पावरफुल है, मगर उसमें अच्छे फल नहीं मिल रहे, रिक्शा चला रहा है, ये भीख मांग रहा है, ये ठेली चला रहा है, तो ये दोष हुए, दोष का कैंसिलेशन हुआ। मात्र इतने से ही एस्ट्रोलॉजी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती इसको, इसमें जब तक डिस्कशंस नहीं करेंगे। मैंने बताया ना कि एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजिकल रूट्स भी हैं, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के इफेक्ट्स भी हैं, सब मानते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया, मगर ये रूट्स जो है, मेरी जो अपनी मान्यता है, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि एक सिमी जी पे रूल फॉलो हो रहा है, मुझ पे फॉलो नहीं हो रहा, ये मुझ पे फॉलो हो रहा है तो भगवान जी पे फॉलो नहीं हो रहा, ये भगवान जी पे फॉलो हो रहा है तो नितेश जी पे फॉलो नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को जब तक कि हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं करेंगे, हम 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट छोटे से बॉक्स में कैसे पॉसिबल है, मुझे बताइए आप। अगर इसमें डिस्कशन करना है तो भगवान ने चाह तो कभी मिलेंगे हम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग एक छत के नीचे बैठ के, मैं, श्रीमाली जी, पद्मेश जी, भोजराज द्विवेदी जी, झंगाणी जी, हरिकृष्ण झंगाणी जी, तो ये लोग बैठ के डिस्कशन घंटों, मुदकर हमारा बड़ा अच्छा साथी था दिल्ली का, वो शांत हो गया, मतलब शांत मीन्स वैसे शरीर से नहीं शांत हो गया, तो भीड़ से शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया अपने। तो ऐसे हमारे पास 1 दर्जन 2 दर्जन लोग थे जो हम लोग, सिर्फ हमारा उद्देश्य ये होता था कि डिस्कशंस करना, और डिस्कशंस इसलिए नहीं करते थे कि हमें फोटो खिंच रही है, या हमारा वीडियो बन रहा है, या हमें अपने आप को हाईलाइट करना है। तो ये आप देखें, मैंने इसको दिया, अगर मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरी तो जो अपनी फीलिंग्स होती है, इसलिए मैं ज्योतिष वर्ग में बहुत बदनाम रहा, पंडितों के बीच में खासतौर से, मुझे मंच पे आते ही लोग बगल झांकने लगते थे, गोपाला जो आ रहा है हमारी खाट खड़ी करेगा, आप प्लीज़ इसको सोचिए, इसको कंसिडर करें, इसको मनन करें। थैंक यू।
थैंक्स फॉर हियरिंग।